بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال را زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده. रवाहु मुस्लिम. हुज़ूर सल्लम का इरशाद है जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु नकल करते हैं कि आप सल्लम ने फरमाया कि जब भी अल्लाह ताला के घरों में से किसी घर में कुछ लोग जमा होते हैं और जमा होकर क्या करते हैं, अल्लाह की किताब पढ़ते हैं और आपस में उसको सीखते हैं और सिखाते हैं, यानी एक दूसरे को दर्स देते हैं उसका, तो होता क्या है, उन पर सकीनत नाजिल होती है, अल्लाह की रहमत उन्हें ढांप लेती है, फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं. और सबसे बढ़कर बात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा, अल्लाह उनका जिक्र करता है उनमें जो उसके पास है. अल्लाह के पास कौन है, उसके मुकर्रब फरिश्ते जो है उनमें अल्लाह ताला जिक्र करता है कि देखो मेरे बंदे मेरा कलाम पढ़ रहे हैं, उसे सीख रहे हैं, एक दूसरे को सिखा रहे हैं. और बाकी चीज़ें आप यकीनन महसूस करेंगे कि एक सुकून सा आपको महसूस होता है कुरान मजीद की तिलावत करते हुए या फिर उसके वाले से कोई दर्स, कुरान मजीद के दर्स में सुनने में सुनाने में पढ़ने पढ़ाने में. और हमारे दीन की बुनियाद चूँकि ईमान बिल गैब है, लिहाजा हमारा ईमान यकीनन इस बात पे पक्का होना चाहिए कि अल्लाह के हुज़ूर फरमा रहे हैं कि फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं. तो अल्लाह ताला कुरान मजीद की इन बरकात से हमें मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए. आज हम अल्लाह ताला की तौफीक से इस्म का दूसरा पहलू जो है जिन्स, उसका मुताला करेंगे. तो हमारा इस्म की पहचान के एतबार से जो दूसरा पहलू है वो है जिन्स, जिसे हम अंग्रेजी में जेंडर के नाम से जानते हैं. अरबी जुबान में भी उर्दू की तरह जिन्स दो ही हैं, मुजक्कर और मोनस. अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाला हर इस्म मुजक्कर समझा जाएगा. एक जुमला गौर से सुनिएगा क्योंकि सारी जिन्स की बहस इसी जुमले पर जो है खत्म होती है. अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाला हर इस्म हम मुजक्कर समझेंगे जब तक हमें उसके बारे में उसका मौनस होना मालूम ना हो जाए. अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाला हर इस्म मुजक्कर समझा जाएगा जब तक उसका मौनस होना मालूम ना हो. इसका नतीजा क्या निकलता है कि हमें क्या मुजक्कर मोनस दोनों को पढ़ना पड़ेगा? इसमें हम अगर मोनस को पढ़ ले तो मुजक्कर तो समझा समझाया, लिहाजा हम मोनस पढ़ते हैं कि अरबी जुबान में कोई इस्म मोनस कब कब हो सकता है. तो मोनस समझने के लिए चूंकि हमारा यहां तदरीका जो तरीका है हमारा तदरीसी तरीका है, इसको सामने रखते हुए पहले उर्दू से एग्जांपल्स लेते हैं फिर इंशाल्लाह ताला वही बातें मैं आपको अरेबिक के हवाले से आपके सामने करूंगा तो बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला.
मोनस को समझने के लिए कुछ अल्फाज मैं आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा हूं, उर्दू जुबान में इस्तेमाल होने वाले वो अल्फाज औरत, मां, बेटी, लड़की, बहन और बिल्ली। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये अस्मा अल्फाज उर्दू जुबान में जिन्स के एतबार से क्या इस्तेमाल होते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? मौनस। और अगर मेरा सवाल ये हो कि क्यों, तो आपका जवाब क्या होगा? ये है ही मौनस। इन अल्फाज को आप किसी भी जुबान में ट्रांसलेट कर दें, चाहे अंग्रेजी में कर दें, चाहे फारसी में कर दें, चाहे अरेबिक में कर दें, अगर आपको इन अल्फाज के मानी जो दूसरी जुबान में अगर इन अल्फाज को आपने ट्रांसलेट किया हुआ है, तो आपको एक सेकंड नहीं लगेगा इन अल्फाज के जिन्स का तयन करने में कि ये मौनस है। ये हकीकी मौनस है। क्यों? इसलिए कि इनके मुकाबले में आपको फिलवा के मुजक्कर मिलेगा, औरत के मुकाबले में आपको मर्द मिलता है, मां के मुकाबले में बाप, बेटी के मुकाबले में बेटा, लड़की के मुकाबले में लड़का, बहन के मुकाबले में भाई और बिल्ली के मुकाबले में बिल्ला। ठीक, तो ये आपके हकीकी मौनस है। तो मौनस साथ साथ हम इसको चलते हैं। मौनस की एक किस्म हमारे सामने आ गई हकीकी मौनस, यानी ये वो अस्मा है जिनके मुकाबले में फिल वाक्य आपको मुजक्कर मिलता है। अब कुछ अल्फाज और आपके सामने मैं लिखने लगा हूं। किताब, दीवार, नाक, आंख, कुर्सी और सुई। ये अल्फाज हम उर्दू जुबान में जिन्स के अतबार से क्या इस्तेमाल करते हैं? मौनस। क्यों? यानी ये मौनस क्यों है? ये इसलिए मौनस है कि हमने इन्हें अपनी जुबान में मौनस बोलते हुए सुना। ये हकीकी मौनस नहीं है। पहली बात तो क्लियर हुई कि हकीकी नहीं है, तो क्या हुए? ये गैर हकीकी हुए। गैर हकीकी मौनस में फिर ये क्या हुए कि ये सुनने पर आपके सामने आए। तो मौनस की दूसरी किस्म हमारे सामने जो है वो होगी गैर हकीकी मौनस। तो अरबी जुबान में भी मौनस की दो अकसाम, मोटी अकसाम हमारे सामने आती हैं। एक है हकीकी मौनस और दूसरी गैर हकीकी मौनस। अब मजीद ये जो दूसरी किस्म आपके सामने आई है गैर हकीकी मौनस की, इस फहरिस्त को भी मैं मजीद क्लियर करने के लिए दो फहरिस्त में तकसीम करता हूं। दो अल्फाज मैंने ऐड कर दिए, कुर्सी, सुई, चारपाई और चौकी। हमने इन्हें गैर हकीकी मौनस तो कह दिया, लेकिन क्या आप इन अस्मा में मौनस की कोई अलामत पहचान सकते हैं? छोटे है। आपने उर्दू जुबान के अतबार से सोचा कि वो अल्फाज जो उर्दू जुबान में छोटी ये पर खत्म होते हैं हम उन्हें मौनस बोलते हैं। इसमें और बहुत सारे अल्फाज जो हैं आप ला सकते हैं। ठीक, लेकिन एक्सेप्शन ध्यान रखिएगा, हर जुबान में होता है, अरबी जुबान में एक्सेप्शन नहायत कम है। तो उर्दू में भी वो अल्फाज जो छोटी ये पर खत्म होते हैं लेकिन हमें उन्हें मुजक्कर बोलते हैं, कोई आपके जहन में ऐसे अल्फाज?
छोटी ये पर खत्म होते हो, लेकिन हम उन्हें बोलते मुजक्कर हो, भाई, मोची, दर्जी, नाई, ये सारे ओल्ड प्रोफेशन खासतौर पे हमारे हैं, ये सब के सब छोटी ये पर अगरचे खत्म हो रहे हैं लेकिन हम इन्हें मुजक्कर बोलते हैं। तो एक आपने अलामत मुकर्रर कर ली कि अच्छा अच्छा जिस इस्म के आखिर में ये अलामत आती है छोटी ये उर्दू में, हम उन्हें मोनस बोलेंगे। और गैरा की मोनस में जो दूसरी फहरिस्त आपके सामने आई है वो है किताब, दीवार, नाक और आंख। इन्हें हम मोनस बोलते हैं लेकिन इन अल्फाज में जिस तरह अलामत थी पहले अल्फाज में, इनमें कोई अलामत नहीं है मोनस की, हम इन्हें फिर भी मोनस बोलते हैं। तो ये अल्फाज, इन अल्फाज का इनहिसार मुकम्मल हमारे सुनने पर होता है, यानी हमारी जुबान में इन अल्फाज को चूंकि मोनस ही बोला गया लिहाजा हम भी इन्हें मोनस बोलने पर मजबूर हैं। तो गैर हकीकी मोनस की मजीद दो अकसाम आपके सामने आ गई, तो मैं अब इस तरह लिख देता हूं। एक आपकी है अलामती मोनस, जिसमें मोनस की कोई अलामत पाई जाए। अब ध्यान रखिएगा कि उर्दू की अलामत छोटी आए लेकिन अरबी जुबान में मोनस की अलामत कोई और होगी, उसके बारे में भी आपको मैं डिटेल से बताता हूं। और दूसरी गैर हकीकी मोनस की किस्म जो है वो है समाई मोनस, यानी वो अल्फाज जो हम अहले जुबान से मोनस ही सुनते आए। अब इन चीजों की हमें जरूरत नहीं है, हमारी गुफ्तगू जो है वो यहां तक मुकम्मल हो जाती है। जिसके हवाले से जो कुछ हमने पढ़ा है एक मरतबा ध्यान में ताजा कर लीजिए। अरबी जुबान में जिन्स दो ही हैं, मुजक्कर और मोनस, और अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाला हर इस्म हम मुजक्कर समझेंगे जब तक हमें उसका मोनस होना मालूम नहीं हो जाएगा। मोनस की दो अकसाम है, एक हकीकी मोनस और दूसरी गैर हकीकी मोनस। हकीकी मोनस वो मोनस है जिसमें आपको फिल वाक्य, जिसके मुकाबले में फिल वाक्य आपको कोई मुजक्कर इस्म मिलता है। सिर्फ तर्जुमा करने की जरूरत है, किसी भी जुबान का लफ्ज है अगर आपको उसके मानी पता चल जाए तो फौरी तौर पर आप फैसला कर सकते हैं कि मुजक्कर है कि मोनस है। इसकी एग्जांपल्स मैं देता हूं। उमुन वर्ड अरबी जुबान का लफ्ज है, अगर आपको इसके मानी नहीं पता और आपसे सवाल किया जाए कि ये इस्म मुजक्कर है या मोनस है, तो आप कुछ नहीं बता सकेंगे। आपका पहला सवाल यह होना चाहिए कि इसके मानी क्या है। अगर आपको इसके मानी बता दीजिए कि इसके मायनी मां है, तो आप इसकी जिन्स एक सेकंड लगाएंगे बताने में कि मोनस है। इसी तरह इमरातुन एक वर्ड है, इसके मानी आपके सामने आए औरत, तो एक सेकंड लगा इसको मोनस डिक्लेयर करने में। बिंतुन बेटी या लड़की के लिए अरबी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल होता है। उख्तुन बहन के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो ये अल्फाज अरबी जुबान में जिन्स के एतबार से हकीकी मोनस। गैर हकीकी मोनस दो अकसाम हैं उसकी, एक अलामती मोनस है और दूसरी समाई मोनस है। अलामती मोनस वो इस्म जिसमें मोनस की कोई अलामत पाई जाए। तो अलामती मोनस में मोनस की तीन अलामतें ध्यान में रखिएगा। जिस इस्म के आखिर में हमें उन तीन अलामत में से कोई भी अलामत नजर आ गई तो वो इस्म जिन्स के अतबार से मोनस समझा जाएगा। मोनस की तीन अलामत जैसे कि मैंने आपको बताया, पहली अलामत है गोलता। गोलता जिस इस्म के आखिर में आएगी वो मोनस समझा जाएगा। मोनस से गैर हकीकी की किस्म अलामती मोनस, मसलन जन्नतुन। गोलता देखिए आपने,
ये मोनासिस में. अब साथ वो जो एराब का सबक है वो दोहराते रहना है अपने, ठीक. एराब का सबक क्या था, तीन हालतें हमने इसकी पढ़ी थी. बुनियादी हालत चूंकि हालत रफा होती है, लिहाजा जितनी भी एग्जाम्पल्स आपके सामने आएंगी वो मैं उसकी बिल्ट इन हालत यानी नॉर्मल हालत हालत रफा में लिखूंगा. उसके बाद आपने करना यह है कि उसकी हालत नसब और जर वो बनाते रहना है ताकि कायदा जो है वो इराब का वो आपको ना भूले. जन्नतुन हालत रफा होगी, हालत नसब क्या होगी, जन्नतन. दो जबर के बाद अलिफ का इजाफा होगा, नहीं होगा, क्योंकि गोलता पर खत्म होने वाले असमा एक्सेप्शन में है. और हालत जर क्या होगी, जन्नतन. तो अब देखें आप वो जो हमने कल सूरतुल गाशिया की आयात एनालिसिस किया था उनका, उन आयात में अब हमें कल तक सिर्फ इस्म की हालत के बारे में पता चला था कि वो हालत रफ है, नसब है या जर है, और साथ मजीद ये पता चला था कि मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ है. आज हमें इंशाल्लाह ताला एक चीज और हमारे इल्म में इजाफा हो रहा है कि उस इस्म की जिन्स के बारे में हमें पता चलना शुरू हो गया है कि वो इस्म मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, ठीक. जैसे कि आयात आई थी फी जन्नतिन आलियतिन, तो अब जन्नतिन हमने कल उसके बारे में मालूम किया था कि हालत जर में इस्तेमाल हुआ है और मुनसरिफ इस्म है. आज हमें उसके बारे में पता चल गया कि मुअन्नस इस्म भी है. इसी तरह इंशाल्लाह ताला हम अदद के बारे में पढ़ेंगे, फिर वुसअत के बारे में पढ़ेंगे, फिर जब हमें इस्म के बारे में चारों बातें मालूम हो जाएंगी फिर हम उस इस्म को किसी तरकीब में या जुमले में इस्तेमाल करेंगे. और जब जुमले बनने लग जाएंगे तो यहां बोर्ड पर आपके सामने है कुरान मजीद की आयात अहदीस, यही बोर्ड पर मैं आपके सामने लिखूंगा और इंशाल्लाह ताला आप उनको उनका एनालिसिस करने के काबिल हो जाएंगे अल्लाह ताला की तौफीक से. जन्नतुन आयतन, हालत नसब क्या होगी इसकी, आयतन आयतन. अरबी जुबान में पंखा मिरवाहतुन कहलाता है. अब पंखा मुझे बताएं उर्दू जुबान में हम मुजक्कर इस्तेमाल करते हैं कि मुअन्नस, मुजक्कर. पंखा चलता है लेकिन अरबी जुबान में पंखा चलती है. ट्रांसलेशन जब भी आप करेंगे दूसरी जुबान में तो उस जुबान के मुहावरे का ख्याल रखा जाएगा जिस जुबान में आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ठीक. लिहाजा जब भी अरबी जुबान में मिरवाहतुन का इस्तेमाल होगा तो हम उसे उर्दू मुहावरे के एतबार से मुजक्कर ही समझेंगे. उस वक्त हम इसे ट्रांसलेशन ये नहीं करेंगे कि पंखा चलती है. सातुन घड़ी के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है अरबी जुबान में, और घड़ी आप कह लें कि बाई चांस उर्दू में भी मुअन्नस है. कमरे को अरबी जुबान में गुरफतुन कहा जाता है. हम कहते हैं कमरा बड़ा है लेकिन अरबी जुबान में कमरा मुअन्नस इस्तेमाल होगा क्योंकि उसमें गोलता आपको अलामत मिल गई. गोलता अगर किसी मुजक्कर इस्म के आखिर में आपको मिले ध्यान में रखिएगा कि रियल जेंडर जो है वो डोमिनेट करेगा. तो मुअन्नस की पहली अलामत जो है वो है गोलता. जिस इस्म के आखिर में आपको गोलता नजर आ जाए वो इस्म मुअन्नस तसव्वुर किया जाएगा. एक्सेप्शंस आर देयर. ये अलामत आपको इस्म के आखिर में नजर आ जाए. इस अलामत का नाम मुश्किल सा नाम है, पहले मैं एग्जांपल्स दे देता हूं फिर इसका नाम आपको बता दूंगा. सहराओ, सहरा हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं रेगिस्तान के लिए लफ्ज. तो इस लफ्ज को हम उर्दू में क्या इस्तेमाल करते हैं, मुजक्कर या मुअन्नस, मुजक्कर. लेकिन अरबी जुबान में चूंकि इस इस्म के आखिर में ये अलामत आपको नजर आ रही है यानी ये डैश जो जाहिर कर रहा है आखिरी हर्फ को उस पर जबर है और फिर उसके बाद अलिफ और हमजा का इस्तेमाल है. सहराओ सऊदाऊ ब्लैक के लिए इस्तेमाल होता है अरबी जुबान, ब्लैक के लिए इस्तेमाल होता है अरबी जुबान. मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था कि इन अल्लाह यामुरुकुम अन तज़बहू बकरतन, ठीक है, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम
कोई गाय ज़िबा कर दो, तो उसके फिर गाय के बारे में उनके सवालात जो हैं वो शुरू हो गए थे कि गाय कैसी हो, उसका रंग कैसा हो, मुख्तलिफ। तो उसमें जो पहला सवाल उनका कि उसका रंग कैसा है, मा लौनुहा, उसका रंग कैसा है, तो जवाब दिया गया था कि इन्नहा बकरतुन सफ्राउ। अब बकरतुन आप देखें गोलता आ रही है उस इसमें, तो इसका मतलब गाय हकीकी मोनस ही है, क्योंकि उस मुकाबले में उसमें अलामत भी है गोलता और वैसे भी वो हकीकी मोनस की समझ में आती है। अब उसके लिए जो सिफत इस्तेमाल की गई है जर्द की, वो सफ्राउ इस्तेमाल किया गया। और ये कलर्स ऐसे ध्यान में रखिएगा कि कलर्स ये सिफात जो होती हैं ये उर्दू में तो इनकी तकसीम इतनी कंप्रिहेंसिव नहीं होती, इसलिए कि हम गाय के लिए भी जर्द रंग इस्तेमाल करते हैं, ठीक, और जर्दे के लिए भी जर्द रंग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जर्दे का रंग कैसा है? जर्द। अब जर्दा मुजक्कर है कि मौनस है? मुजक्कर। उसके लिए भी हम उर्दू में जर्द लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं और गाय के लिए भी जर्द का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जर्द जर्द मुजक्कर के लिए भी जर्द, मौनस के लिए भी जर्द। लेकिन अरबी जुबान में ध्यान में रखिएगा कि अगर आप सिफात ध्यान करना चाहते हैं तो मुजक्कर के लिए अलहदा लफ्ज इस्तेमाल होगा और मौनस के लिए अलहदा लफ्ज इस्तेमाल होगा। तो ये जर्द जो है वर्ड ये मौनस के लिए है। ये आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छी समझ में आएगी। आपका बैतुल्ला में जो ब्लैक कलर का पत्थर नस्ब है उसे आप क्या कहते हैं? अस्वद, अस्वद। अब वो पत्थर चूंकि मुजक्कर होता है अरबी जुबान में, लिहाजा उसके लिए जो ब्लैक कलर इस्तेमाल किया गया है उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो किया गया है अस्वद। और ब्लैक अगर आप मोनस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो सऊदा होगा। इस तरह ग्रीन कलर अगर आप मुजक्कर के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं वो बनेगा अखजर, अखजर, और लेकिन मोनस के लिए वो खजरा। कभी इस बहस में आपने या इस तफसील में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अलामत से पहचानने की कोशिश करें कि इस्म के आखिर में आपको अगर ये अलामत नजर आए तो वो इस्म मोनस समझा जाएगा। और इस अलामत को कहते क्या है? इस अलामत का नाम है अलिफ ममदूदा। ये अलिफ ममदूदा है आपकी अलामत। आपको ये नाम याद रहे ना रहे, शक्ल आपको याद रह जाएगी इंशाल्लाह ताला कि ये अलामत जो है मोनस की अलामत है। मोनस की तीसरी अलामत भी है, किसी इस्म के आखिर में आपको ये अलामत नजर आए। मसलन कुबरा, सुगरा। अब ये चूंकि अल्फाज हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं इसलिए कोई आपको परेशानी नहीं हुई, ये होते मोनस नाम ही है, लड़कियों के नाम ही है। कुबरा सुगरा, लेकिन हटकर इन अल्फाज से जिक्रा, नसीहत के लिए अरबी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल होता है जिक्रा। तकवा, ये अलामत आपको इस्म के आखिर में नजर आएगी तो वो इस्म मौन्ना समझा जाएगा। अब ये अलामत आपको इस्म मूसा में भी नजर आती है, ईसा में भी नजर आती है, याहिया में भी नजर आती है, लेकिन वो इस्म मुजक्कर ही होंगे। अब इस अलामत को कहते क्या है? इस अलामत का नाम है अलिफ मकसूरा। तीन अलामत हैं मोनस की। गोलता, इसका नाम भी ग्रामर वालों ने हमारे रखा है, ताए मरबूता कहलाती है ये, तो गोलता जरा बड़ा आसानी से याद हो जाता है गोलता। इसके लिए लाजमन नाम कोई ना कोई हमें रखना पड़ता है और वो अलिफ ममदूदा और ये अलिफ मकसूरा। तो अरबी जुबान में किसी भी इस्म के आखिर में आपको इन तीन अलामत में से कोई अलामत नजर आए तो वो इस्म जिन्स के एतबार से मोनस समझा जाएगा। आपके सामने कोई इस्म आता है, आप उस इस्म की जिन्स का तयन करना चाहते हैं कि अरबी जुबान में ये इस्म मुजक्कर इस्तेमाल होगा या मोनस इस्तेमाल होगा, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आप उस इस्म के मानी जानने की कोशिश करेंगे। मानी पता चलने के बाद आपका फैसला होगा
कि ये हकीकी मोनस है या गैर हकीकी मोनस की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमने इसम को मोनस साबित करना है। अगर वो साबित हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर साबित नहीं होता तो हम मुज़क्कर है। अभी इस पर मजीद एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो फिर पिछले सबक को जहन में लाइए, जिन्स मुज़क्कर मोनस, हर इस्म मुज़क्कर जब तक उसका मोनस होना मालूम ना हो जाए। मोनस की दो अकसाम, हकीकी गैर हकीकी। गैर हकीकी की दो अकसाम, अलामती समाई। तो अलामती मोनस तक हमारा सबक मुकम्मल हो चुका है, अब हम समाई मोनस की बात करते हैं। समाई मोनस गैर हकीकी मोनस की वो किस्म है जिसमें अलामत तो मोनस की कोई नहीं पाई जाती, लेकिन हम अहले जुबान को उसे मोनस बोलते हुए सुनते हैं। इन अस्मा का इन्हिसार मुकम्मल तौर पर सुनने पर होता है, समा पर है, लिहाजा इन्हें मोनस से समाई कहा जाता है। हमारे बुजुर्गों ने जब अल्फाज को खंगाला, उन्होंने अरबी जुबान में जो बामानी अल्फाज इस्तेमाल हुए थे उनकी तह तक वो पहुंचे, तो एक तो उन्हें गैर हकीकी मोनस में अलामात नजर आ गई मोनस की, जिसमें उन्होंने अलामती मोनस का नाम दे दिया। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे अल्फाज उन्हें मिले जिनमें अलामत नहीं थी, लेकिन अहले जुबान यानी अरब उन्हें मोनस बोलते थे, लिहाजा उन्होंने उनकी कुछ कैटेगरीज बना दी कि अच्छा अच्छा ये कैटेगरीज जो है अरबी जुबान में मोनस बोली जाती है। वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। अरबी जुबान में हवाओं के नाम जो हैं वो मोनस इस्तेमाल होते हैं। सही अप्रिशिएट आप करेंगे इन बातों को, इन कवायद को, जब जुमले बनेंगे। असल में हवा चल रही है, ठीक। अब हवा का लफ्ज है उर्दू में, आपको पता है कि हम इसे मोनस इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसके लिए वर्ब जो इस्तेमाल कर रहे हैं चल रही है। अरबी जुबान में जब आप हवा को इस्तेमाल करना चाहेंगे यानी रीहुन वर्ड है उसके लिए, तो इसके लिए वर्ब जो आपने लेकर आना है वो मोनस ही लाएंगे, क्योंकि आपको पता चल गया कि मोनस वर्ड है। इसलिए सही आपको मजा उस वक्त आएगा, लेकिन अभी पहचान करना मकसूद है। हवाओं के जितने भी नाम है अरबी जुबान में वो मोनस समाई इस्तेमाल होते हैं। रीहुन, सरसरुन, तेज ठंडी हवा, सरसरुन। इसके बारे में सूरतुल हाका में अल्फाज जो है, वामा आदुन फअहलिकु बिरीहिन सरसरिन आतिया, उन्हें तो सख्त ठंडी हवा से जो है वो हलाक कर दिया गया। सखरा अलैहिम सब अलायालिन व समानियत अय्यामिन हुसूमा, जो उन पर मुसलसल सात रातें और आठ दिन चलती रही। अल्लाह ताला ने उन पर उसको मुसल्लत कर दिया सात रातें और आठ दिन तक और लगातार। बादुन का वर्ड अरबी जुबान में हवा के लिए इस्तेमाल होता है। तो बस कॉन्सेप्ट लेना मकसूद है कि अरबी जुबान में हवाओं के नाम जो है वो मोनस इस्तेमाल होते हैं, मोनस इस्तेमाल। शराब के नाम अरबी जुबान में मोनस इस्तेमाल होते हैं। यसलूना कानिल खम्र, खम्रुन शराब को कहते हैं अरबी जुबान में। तिलाउन का वर्ड एक इस्तेमाल होता है शराब के लिए, और बाकी इसके नाम जानने की जरूरत भी नहीं है हमें। तीसरी कैटेगरी आग के नाम अरबी जुबान में मोनस इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले तो आग को अरबी जुबान में क्या कहते हैं, नारुन। उर्दू में भी हम आग को मोनस इस्तेमाल करते हैं, आग ठंडी थी, ठीक, ठंडी होती तो नहीं हो सकती, लेकिन बहरहाल उसके लिए मोनस का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं। तो अरबी जुबान में नारुन वर्ड जो है ये मोनस ही है। फिर जहन्नम, अब यहां एक चीज आप नोट कर रहे हैं कि नारुन वर्ड आपका तनवीन की वजह से क्या है, मुनसरिफ इसमें, की वजह से क्या है, मुनसरिफ इसमें, इसकी हालत नसब और जर, नारन नारिन। तो जो सूरतुल हाशिया की आयत थी, तसला नारन हामियतन, ठीक।
अब उस आग के लिए जो सिफत इस्तेमाल की गई है वो हामी अतन मोहनस इस्तेमाल की गई, दहकती हुई आग, गर्म आग। जहन्नम वर्ड जो है ये गैर मुसरिफ इसमें, क्योंकि तनवीन नहीं आई इस पर, जो हमने कल कैटेगरीज पढ़ी थी उनमें किसी जगह पर फॉल नहीं करता। लेकिन मैंने कहा था आपको कि इंशाल्लाह जो मजीद अल्फाज आया करेंगे गैर मुनसरिफ अस्मा वो मैं आपको बताता चलूंगा। तो ये आप ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स में कि जहन्नम वर्ड जो है ये गैर मुनसरिफ। जहन्नम इसकी हालत नसब जहन्नमा और हालत जर जहन्नमा, यानी हालत नसब और जर एक ही होगी। फिर सईरुन, ये भी आग का नाम है, यानी वो जो सुर्ख रंग की आग आपको नजर आती है उसको सईरुन। जहीमुन, इस लफ्ज से भी आप वाकिफ है, ये भी कुरान मजीद में जहन्नुम के लिए इस्तेमाल किया गया। जाहिर बात है जहन्नुम में आग ही आग है, जहां दूसरे अजाब है वहां आग का अजाब जो है वो सबसे बड़ा अजाब है। तो ये अरब जो है आग के नाम मोनस इस्तेमाल करता है। इस तरतीब को आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं कि ठंडी ठंडी हवा चल रही हो खुशगवार, और अगर खुदा ना हास्ता शराब आपके पास हो तो नतीजा क्या निकलता है? लगती नहीं है रिजल्ट उसका आ गया। इंसानी जिस्म के वो आजा जो जोड़े की शक्ल में मौजूद है, अहले जुबान उन्हें भी मोनस समाई बोलता है। मसलन मेरे दो हाथ हैं, ये जोड़े की शक्ल में, हाथ को अरबी जुबान में कहते हैं यदुन, यदुन। यदुन, अब फिर वही बात मैं करूंगा कि सही आपको मजा आएगा जब आप जुमले पढ़ेंगे। हम उर्दू में कहते हैं हाथ टूट गए, मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबी जुबान में मौनस इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए सूरतुल लहब जो है आपकी, उसमें वर्ब जो इस्तेमाल किया गया वो मौनस इस्तेमाल किया गया है कि तब्बत यदा अबी लहब, लेकिन तर्जुमा उर्दू में यही करते हैं कि अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए। फिर जिससे आप देखते हैं आइनुन, आंख, ये आप कह लेंगे भाई जान उर्दू में भी मोहनस ही इसको बोला जाता है। उजुनुन, कान के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, ये भी दो की सूरत में है, जोड़े की शक्ल में है, लिहाजा ये भी मोहनस है। रिजलुन, आपकी टांग के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो ये भी दो की शक्ल में है, लिहाजा ये भी अरबी जुबान में मोनस इस्तेमाल होगा। अनफुन, अब आप मुझे बताएं नाक को कहते हैं अरबी जुबान में अनफुन, अनफुन। उर्दू में नाक मोनस होती है, नाक बहती है, ठीक, लेकिन अरबी जुबान में ये क्या होगा? जिन्स के अतबार से मुज़क्कर होगा, क्योंकि ये वो उन अज़ा में से है जो आपको एक ही शक्ल में मिलेगी। तो ये हमारी फहरिस्त थी समाई मोनस की। इसमें चार मेन कैटेगरीज हैं, हवाओं के नाम, शराब के नाम, आग के नाम, और इंसानी अज़ा, वो अज़ा जो जोड़े की शक्ल में मौजूद हैं, दो दो हैं। कुछ मुतफरिक अस्मा भी हैं जो इन कैटेगरीज में नहीं आते, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमा ने एक फहरिस्त सी उनकी बना दी है कि ये अस्मा जो है अरबी जुबान में मोनस समाई के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। वो अस्मा मैं आपके सामने लिख देता हूं। अरबी जुबान में आसमान मोनस बोला जाता है, हम कहते हैं आसमान नीला है, अरबी जुबान में मोनस है। अर्दुन, जमीन, उर्दू में भी मोनस है, अरबी में मोनस है।
शमसुन, सूरज, सूरज निकल आया, लेकिन अरबी जुबान में मोनस होता है। चांद मुजक्कर ये ध्यान रखिएगा, सूरज मोनस है। लड़ाई के लिए लफ्ज इस्तेमाल होते हैं अरबी जुबान में हरबुन, जंग, लड़ाई, उर्दू में मोनस है, अरबी में मोनस है। दारून का लफ्ज हमने पढ़ा था कल या परसों, घर के लिए। अरबी जुबान में बैतुन वर्ड अगर इस्तेमाल होगा घर के लिए तो वो मुजक्कर होगा, लेकिन दारून वर्ड जो है ये मोनस इस्तेमाल होता है। गिलास को अरबी जुबान में कहते हैं कासुन। हमारे गिलास टूटते हैं, ठीक है, मुजक्कर है, लेकिन अरबी जुबान में मोनस है। नफसुन, जान, इंडिविजुअल के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, वो आपका मोनस है। रुया, ख्वाब, ख्वाब के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, मोनस इस्तेमाल। तो ये मुतफरिक अस्मा की एक फहरिस्त भी आपने ध्यान में रखनी है, इसमें एडिशन आप करते रहिएगा। आपके पास जो नोट्स हैं उसमें आप बिल्कुल कोई अगर नया लफ्ज आपके इल्म में आता है पढ़ाते हुए तो इंशाल्लाह ताला वो आप उसको याद रखें और अपनी लिस्ट में जो है वो नोट करते जाएं ताकि आपकी ये मुतफरिक अस्मा की लिस्ट जो है वो पूरी होती रहे। तो ये था हमारा जिन्स के एतबार से मुअन्नस को साबित करना। अब एक इसमें मैं आपके सामने एग्जांपल के तौर पे रखता हूं और प्रैक्टिस करवाता हूं उसी पे इंशाल्लाह ताला। अगर आप दो तीन अस्मा की प्रैक्टिस कर लेंगे तो जिन्स का टॉपिक आपका इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएगा। मेरे पास लफ्ज आता है अरबी जुबान में किताब, किताबुन। मुझे यह पता है कि यह मुनसरफ इस्म है और हालत रफा में इस्तेमाल हुआ है, इसकी हालत नसब और जर मैं बना लूंगा, किताबन, किताबिन। अब मैं इसके जिन्स का तयन करना चाहता हूं कि अरबी जुबान में किताबुन वर्ड जो है मुजक्कर इस्तेमाल होता है या मोनस इस्तेमाल होता है। सबसे पहले जब मैंने इसके मानी पर गौर किया तो मुझे इसके मुकाबले में कोई मुजक्कर नजर नहीं आया, लिहाजा ये हकीकी मोनस तो हो नहीं सकता, वहां से ये निकल गया। अब आए गैर हकीकी मोनस की तरफ। गैर हकीकी मोनस में हम देखेंगे इसमें मोनस की कोई अलामत तो नहीं पाई जा रही। इसमें गोलता है नहीं, अलह ममदूदा है नहीं, अलि मकसूरा है नहीं, तो ये अलामती मोनस से भी बाहर निकल गया। अब ये आ गया समाई मोनस में कि अलामत भी नहीं है तो कहीं अहले अरब तो नहीं बोल इस इस्म को मोनस बोलता। उसमें वो जो चार मेन कैटेगरीज हमारे सामने हैं, हवाओं के नाम में से है, शराब के नाम में से है, आग के नाम में से है, कोई जिस्म के वो आजा है जो जोड़े जोड़े की शक्ल में नहीं, या मुतफरिक अस्मा जो हमने पढ़े थे उनमें से नहीं। हम इस इस्म को मोनस साबित नहीं कर सके, लिहाजा ये इस्म अरबी जुबान में मुजक्कर इस्तेमाल होगा अगरचे हम इसे उर्दू में मोनस ही इस्तेमाल करते रहे। मेरी किताब कहते हैं हम उर्दू में, लेकिन अरबी जुबान में जो किताब का वर्ड है ये मुजक्कर इस्तेमाल होगा। एक लफ्ज और ले लें, जिदारुन। लफ्ज के मानी आपके सामने आए दीवार, हकीकी मोनस नहीं है, मुकाबले में चाहे दीवारें चीनी क्यों ना हो वो हकीकी नहीं है। गैर हकीकी में आ जाए, अलामत से पहचाने, गोलता नो, अलि ममदूदा नो, अलि मकसूरा नो, समाई में आए, हवा के नाम में से, शराब के नाम में से, आग के नाम में से, जिस्म के आजा जोड़े जोड़े की शक्ल में, मुतफरिक अस्मा नहीं। तो जिदारुन का वर्ड हम उर्दू में चाहे मोनस बोलते रहे, अरबी जुबान में ये लफ्ज जो है वो मुज़क्कर इस्तेमाल होगा। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।